वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट, आज क्लास 5 का पहला दिन है। इसमें हम कंप्यूटर में ये जानेंगे ये आपका जो लेसन है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है और लेसन के बारे में क्या टॉपिक है, उसमें क्या बताया जाएगा, उसकी वीडियो आपको इसको देखना होगा पूरा, तभी अंत तक आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका क्लास 5 का जो आपका है कंप्यूटर है, इसमें जो कंटेंट आपके दिए गए हैं, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब लेसन होता है, लेसन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, उसकी जानकारी इसमें मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लेसन आपका दिया हुआ है कंप्यूटर ए मशीन, जो आपका कंप्यूटर होता है उसके जो भी आपके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इस लेसन में आपको बताया जाएगा और इसमें डिफिनेशन आपके साथ में होंगे। उसके बाद से आपका लेसन 2 आपका जो दिया हुआ है एमएस विंडोज 7 आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका डिफिनेशन साथ में बताया जाएगा, इसकी जानकारी आपको लेसन 2 में आपको मिलेगी। उसके बाद से लेसन 3 आपका जो दिया हुआ है MS Word 2007, एमएस वर्ड में आप टाइपिंग कैसे करते हैं और आप लेटर कैसे बनाते हैं, एमएस वर्ड में इसकी जानकारी मिलेगी। तो लेसन 3 में हम क्या सीखेंगे एमएस वर्ड 2007 के बारे में। इसमें आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जैसे आपका 2003, 2007, 2010, उसके बाद आपका 2013, 2016, इस सभी आपके एमएस वर्ड के और आपके पावर पॉइंट एक्सेल के आपके सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, आप जिस पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, उस पे आपको एमएस वर्ड बता दिया जाएगा। अब हम देखते हैं लेसन 4। लेसन 4 में आपका दिया हुआ है टेबल इन एमएस वर्ड विंडोज 7। एमएस वर्ड में आप टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे लेसन 4 में। उसके बाद से लेसन 5 आपका दिया हुआ है MS PowerPoint 2007। पावर पॉइंट आपका नॉर्मली जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें आपको यही बताया जाता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रेजेंटेशन को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे PowerPoint 2007 आपका लेसन 5 में। उसके बाद से लेसन 6 जो है आपका मोर अबाउट इंटरनेट। इस समय आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे लेसन 6 में। उसके बाद से लेसन 7 में आपका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लेसन 7 में जानेंगे। और ये आपको बता दूं कि इसमें अगर आपका मान लीजिए ये आपका लेसन 5 का इंट्रो है आपका लेसन का, तो इसमें आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके 3rd 4th, इसमें आपका 5th में तो दिया है, उसके बाद से 6th में, 7th में, 8th में आपको मिलेंगे वही सेम टॉपिक। तो टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपका टॉपिक एक ही रहेगा लेकिन हर एक क्लास के उसको आप पढ़ सकते हैं, और कंप्यूटर में किसी भी क्लास का अगर रहता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटेंट इस तरह से दिया हुआ है, इसमें टोटल 7 लेसन दिया हुआ है, 7 लेसन के बारे में हम जानेंगे क्लास 5th में। और यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।